हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्म ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का फिफ्थ पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर बाकी सभी लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि सभी लेक्चर और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे पहले यही एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको बहुत अच्छे से उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको आगे बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अ कंपनी इज गवर्न बाय द कंपनी एक्ट एंड इट हैज़ टू फॉलो वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हैंज द कंपनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंप्लाई विद द वेरियस स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट। द ग्रोइंग नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स कुड नॉट बी मीट बाय द सोल प्रोप्रेटरशिप और पार्टनरशिप। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑन लार्ज स्केल बिकॉज इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड रिस्क ऑफ ऑब्लिगेशन आर टू बर्डनसम। अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर गेनिंग प्रॉफिट विच कैपिटल इज डिवाइडेड इन टू द ट्रांसफरेबल शेयर्स। तो देखो, वो आपको लगता होगा देखकर कि बहुत बड़ी है और बहुत हार्ड होगी, तो बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये। बस आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 100% चाहिए और आपको लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना है। सो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अ कंपनी इज गवर्न बाय द कंपनी एक्ट एंड इट हैज़ टू फॉलो वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब एक कंपनी क्या है कि एक कंपनी एक्ट के अंडर इसको तैयार होती है और इसको जो भी एक्ट में प्रोविजन है उस सबको फॉलो करना पड़ता है। हैज़ द कंपनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू comply with the various statutory requirement। इसलिए कंपनी को जो भी requirement होगी जो भी उसको complete करना पड़ता है। The growing needs of the modern industry and commerce could not be met by sole proprietorship or partnership। मतलब देखो, industries अभी बड़ी हो रही है और उनकी जो भी needs जो भी वो भी बढ़ रही है, उनको बड़ा होना है, मतलब industry को थोड़ा बड़ा करना है और जो भी competition है वो भी बड़ा है हुआ है, और कंपनी को क्या करना है, industry को क्या करना है, बहुत ज़्यादा material बनाना है, बहुत दूर दूर तक देखो मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी है, 100-200 देशों में वो अपना व्यापार करती है, बिजनेस करती है। तो देखो, कंपनी की नीड्स बढ़ गई है, मतलब उनको रिक्वायरमेंट को मटेरियल बढ़ गई है, उनको फाइनेंशियल जो भी फाइनेंस चाहिए वो भी बढ़ गया है, वर्कर्स जो भी चाहिए वो भी वर्कर्स की जो भी वर्कर्स जितने चाहिए उनके भी काउंट बढ़ गया है। मतलब इंडस्ट्री की जो भी ग्रोइंग नीड्स है, उनको बड़ा होने के लिए जो भी नीड्स है वो बढ़ती जा रही है। वो सोल प्रोप्रेटरशिप मतलब अकेले इंसान के बिजनेस से वो कंप्लीट नहीं हो सकती, या कुछ 10-20 पार्टनर को एक साथ लेकर भी कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब देखो, अगर आपको 10-10-20-20 हज़ार करोड़ का बिजनेस करना है तो 10-20 लोगों से होने वाला है क्या, या कुछ एक लोगों से होने वाला है कि किसी एक को, इतना बड़ा कोई एक आदमी मल्टीनेशनल कंपनी चला सकता है क्या? तो एक्सेप्ट कुछ लोग को छोड़ सकता है, पर उनका फैमिली बिजनेस बहुत दिनों से चलता रहे। पर अगर आपको स्टार्ट करनी है मल्टीनेशनल कंपनी उसको चलाना है, तो फिर आपको क्या लगता है कि एक आदमी से हो सकता है या 10-20 आदमी से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इसलिए यहाँ पर आई है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन बिजनेस ऑन लार्ज स्केल। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी इसलिए ऑर्गेनाइज की जाती है एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, लार्ज स्केल में बिजनेस करने के लिए। बिकॉज इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द रिस्क ऑफ एप्लीकेशन आर बर्डनसम। मतलब क्या होता है कि देखो, बड़ी जब ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, बड़ी कंपनी बनानी है, तो वहाँ पर जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको जब वहाँ पर जितना फाइनेंस लगेगा, जितने पैसे लगेंगे, वहाँ पर जितनी बड़ी रिस्क होगी अगर कुछ लॉस हुआ तो, वो बहुत बर्डनसम होगी, बहुत प्रेशराइज्ड होगी, बहुत टेंशन देने वाली होगी। मतलब देखो ना, अगर 10,000 करोड़ का बिजनेस आपको रन करना है, उससे पहले आपके पास प्रॉफिट कुछ भी नहीं आने वाला, तो आपको आपके ऊपर प्रेशर तो होगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या होता है, देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर इंडिविजुअल फॉर गेनिंग प्रॉफिट विच कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द ट्रांसफरेबल शेयर्स। मतलब क्या होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, सभी लोगों के लिए उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। उसका क्या किया जाता है, जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी और जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफरेबल शेयर्स के थ्रू उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो आपको मैं थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है शेयर मार्केट। आप सबको पता होगा शेयर मार्केट के बारे में आजकल बहुत सुनने को मिलता होगा, क्योंकि देखो लॉकडाउन में बहुत लोग अभी शेयर मार्केट का जो भी है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं।
तो मैं देख तो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर मार्केट के बारे में ज़रूर सीख लेना। इसके बारे में मैं अलग सा मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइव सेशन ज़रूर बनाने वाला हूँ, वो भी ज़रूर देखना। तो शेयर मार्केट आप सबको लोगों को पता ही होगा, तो वो जो भी होती है वो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है और उनके वो शेयर्स होते हैं। तो किस तरह की इस कंपनी किस तरह से रन होती है, देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अकेला इंसान हज़ारों करोड़ की कंपनी नहीं चला सकता, या जो भी पार्टनरशिप में भी इतनी बड़ी कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है। मल्टीनेशनल कंपनी चलाना हज़ारों करोड़ रुपए, अगर अकेला इंसान कभी भी इतने पैसे बिजनेस में नहीं लगा सकता और इतने पैसे की रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए जो भी ये टाइप्स आ गया है कौन सा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सिंपल फॉर्मेट तो नहीं बोलूँगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो जॉइंट स्टॉक का काम किस तरह से होता है, एक बार देख लेते हैं आप डेफिनेशन क्या है वगैरह। तो देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन बिजनेस ऑन लार्ज स्केल बिकॉज इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द रिस्क ऑफ एब्लिगेशन आर टू बर्टनसम। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर गेनिंग प्रॉफिट विच कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इन टू द ट्रांसफरेबल शेयर। तो देखो अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानते हैं डिटेल में, शॉर्ट में बताऊंगा पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर देना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। सो देखो बेसिकली अगर 10,000 करोड़ के आप लगते हैं, मुझे पता भी नहीं 10,000 करोड़ पर कितने यहाँ पर जीरोज आएंगे और वहाँ पर इतने लिखने के लिए जगह भी नहीं, इतना पैसा आप खुद लगा पाओगे क्या, या 10 पार्टनर मिलाकर उतनी बड़ी कंपनी आप खड़ी कर पाओगे क्या। पर देखो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना तो चाहिए और ज़रूरी भी है कि जिससे कि जो भी आप बिजनेस बड़ा हो, सब लोगों को प्रॉफिट हो। तो इसलिए क्या किया जाता है, देखो 10,000 करोड़ को मैं 1,000 रुपये कंसिडर कर लेता हूँ। 1,000 रुपये को आपको क्या कंसिडर करना है, 10,000 करोड़। क्या होगा कि 10,000, ये 1,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, इसको ऐसे आप समझ लो, क्योंकि कैलकुलेशन को और आपको समझने में मुझे बहुत आसानी होगी क्योंकि छोटी अमाउंट की। तो आप कंसिडर कर लो कि 1,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। तो 1,000 रुपये आपके बिजनेस के लिए चाहिए और आप क्या करते हैं, आपके शेयर्स बनाते हैं। जहाँ पर देखो आपने शेयर सुना ना शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा मैं क्या होता है शेयर मार्केट, मतलब यही जॉइंट स्टॉक कंपनी ही होती है वो। मतलब अगर देखो 1,000 रुपये आपको कलेक्ट करने हैं उसके लिए, तो आपकी कंपनी का नाम XYZ होगा, तो आपकी कंपनी के शेयर आप ओपन करें उद्योग मार्केट में लोगों को खरीदने के लिए। तो क्या किया जाता है कि देखो एक शेयर की प्राइस हम रख देंगे 10 रुपये, 10 रुपये हम एक शेयर की प्राइस रख देंगे। ऐसे हमारी कंपनी के कितने शेयर हो जाएंगे, 100 शेयर, 100 × 10 कितने हो जाएंगे, 1,000 होने वाले। तो हमने 10 रुपये के एक शेयर की प्राइस रखी, आप खरीद लो, कोई भी खरीद सकता है, मतलब कितने भी खरीद सकता है और कोई भी खरीद सकता है उस शेयर को। तो क्या होता है कि आपके कंपनी में क्या चाहिए, 10 रुपये को आपने एक शेयर की प्राइस रख दी है, तो आपके पास 100 शेयर आपके कंपनी ओपन कर देते हैं लोगों को खरीदने के लिए। फिर क्या होता है, मेरा एक दोस्त आता है, उसके पास 20 रुपये होते हैं ये इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या करता है 20 रुपये से 2 शेयर कंपनी के खरीद लेता है। मैं जाता हूँ, मेरे पास 100 रुपये होते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ 10 शेयर खरीद लेता हूँ। कोई और जाता है XYZ, वो ABCD जाता है, वो 10 शेयर कर लाता है, कोई 20 शेयर कर लाता है, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, 3 लेता है। इस तरह से पूरे क्या होता है कि 100 जो भी आपके पास शेयर होते हैं कंपनी के 1,000 रुपये के, वो बेच जाते हैं, मतलब लोग खरीद लेते हैं, 100-200 लोग इसको खरीद लेते हैं, मतलब 100 या 200 लोगों ने खरीद ले और जिससे हमें 1,000 रुपये मिल गए। कितने मिले, 100-200 से लोगों से एग्जैक्टली 1,000 रुपये हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए बिजनेस के लिए। तो देखो अभी 1,000 रुपये हमने कलेक्ट कर लिए, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो बिजनेस के आगे किस तरह से रन होगा इसके आगे देखिए। बेसिकली देखो 1,000 रुपये आपके पास आ गए, तो 1,000 रुपये से आपने 1,000 रुपये 2,000 रुपये का आपके पास आ गए, मतलब आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको वहाँ पर 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। मतलब देखो 1,000 रुपये से मतलब दुगना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितना मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब अगर आपने वहाँ पर 10 रुपये लगाए हैं तो आपके कितने हो गए, 20 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जिसने शेयर किए। तो आपकी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जिसने एक शेयर लिया था 10 रुपये को, उसको पूरे 20 रुपये लौटाने पड़ेंगे, मतलब 10 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। जिसने 2 शेयर लिए होंगे उसको कितने मिलेंगे, 40 रुपये, पहले उसने 20 रुपये लगाते थे और 20 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब जितने अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए थे ना उतने अमाउंट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी ने एक शेयर लिया था 10 रुपये का, तो अभी उस शेयर की दुगनी प्राइस होने वाली है, मतलब कितना हो गया 20 रुपये, मतलब उसको कितना हुआ 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये लगाने से मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ,
मतलब एक दुगना प्रॉफिट, मतलब सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। मतलब उसमें 1% हो सकता है, 2%, 1 रुपये का हो सकता है, 2 रुपये का हो सकता है, 3 रुपये का हो सकता है। इस तरह से क्या होता है, प्रॉफिट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब किसी ने 50 ले लिए होंगे, मतलब 100 रुपये के 50, मतलब 500 रुपये के उसने शेयर खरीद लिए होगी, तो उसको और 500 रुपये मिलेंगे, मतलब उसको 1000 रुपये का 1000 रुपये मिलेंगे, मतलब 500 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। इस तरह से क्या होता है, मतलब देखो 10,000 करोड़ की बात की थी मैंने, 10,000 करोड़ अगर 2 लोग, 20 लोग, 100 लोग नहीं कलेक्ट कर सकते ना, इसलिए 20,000 लोगों से हमने उसको कलेक्ट कर लिया। कितने? 20,000 लोगों से। और 20,000 लोगों में से जितने रुपए के उसने और जितने अमाउंट में शेयर्स लिए थे उस कंपनी के, उस तरह से उसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। देखो प्रॉफिट तो लेंगे, और आप देखो अगर लॉस होता है कंपनी को, अगर लॉस भी होता है तो उसी अमाउंट में सब लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको बियर करना पड़ता है, लॉस को भी, लॉस भी बियर किया जाएगा। इससे क्या होगा, इसके फायदे क्या होगे, लॉस क्या होगा, इसके आगे सिग्निफिकेंस किस तरह से होते हैं, उसके बारे में आगे बताओ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया। मुझे बहुत पसंद लगता है, पसंद आता है आप जब कमेंट करते हो मुझे। तो देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बेसिकली जाना है, तो अभी सिग्निफिकेंट में मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले देखो, कंपनी इज एन अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इट कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 1956। मतलब क्या है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, जब ये कभी क्रिएट होती है, बनती है, जब उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी एक्ट 1956 के अंडर, उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कंपनी का। अब मेंबर और शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी मेंबर्स, मैंने बोला कि लोग, सभी लोग क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं 10 रुपये का, 20 रुपये के, एक शेयर की प्राइस हमने 10 रुपये रख दी थी, तो 10 शेयर खरीद लिए, 20 शेयर खरीद लिए, तो जो भी शेयर खरीदे, जिनके पास शेयर होते हैं, वो सब लोग उस कंपनी के ओनर्स कहे जाते हैं। द बिजनेस इज रन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द मेंबर इन द जनरल बॉडी ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी जनरल बॉडी होगी उसमें से जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, उनसे कंपनी, वो कंपनी चलाते हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, लॉस लेते हैं। देखो अभी बाद में थर्ड से उसका साइलेंट फीचर क्या है, द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द बिजनेस इज डिवाइडेड इन टू द शेयर ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन सो दैट वुड बी द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल और लार्ज सम एज दे डिजायर। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेन किया था कि उस स्मॉल शेयर्स में उसको डिवाइड किया जाता है उस कैपिटल को। मतलब देखो मैंने जैसे 1000 रुपये को डिवाइड किया था छोटे छोटे शेयर्स में, मतलब 10-10 रुपये के शेयर्स में। मतलब अगर किसी को, मतलब देखो जैसे वहाँ पर, मतलब कि आप कमेंट अमाउंट में भी शेयर खरीद ले सकते हो, छोटे कम और ज़्यादा, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब किसी के पास एक शेयर खरीदने की औकात होगी, औकात तो नहीं बोल सकता सॉरी, पर कोई एक शेयर खरीदने की इच्छा रख सकता है, कोई 30 शेयर, कोई 20 शेयर, कोई 100 शेयर, कोई कितने भी शेयर अपने अपने हिसाब से। मतलब जैसे कि यहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़े अमाउंट में भी। देखो स्मॉल और लार्ज सम ऑफ मनी एज द डिजायर, मतलब जितना उसका उनको रिक्वायरमेंट है और जितना वो चाहते हैं उसके अमाउंट में, वो उस कंपनी में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर जैसे बताया था कि आपको कि पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, फिर कंपनी को रन किया जाता है, रन करने के बाद कंपनी को फ़ायदा हुआ तो फायदा डिवाइड करते हैं, लॉस हुआ तो लॉस उसको डिवाइड कर देते हैं सभी शेयर होल्डर के साथ। द शेयर होल्डर इज ऑलवेज फ्री टू विलड्रॉ फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर। मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर देखो आपने एक शेयर खरीद लिया तो उसका प्रॉफिट के लिए आपको रुकना पड़ेगा ना, उसको कंपनी काम करेंगी, उसके प्रोडक्ट बेचेंगी, फिर आपको जाकर फ़ायदा होने वाला है। पर देखो क्या होता है, फिर एक काम, जैसे हमने वहाँ पर क्या बात की, यहाँ पर देखो क्या, शेयर होल्डर ऑलवेज फ्री टू विलड्रॉ। मतलब अगर आपको बीच में लगता है कि आपको थोड़े पैसे की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मुझे, मैंने एक शेयर लिया था 10 रुपये का, मुझे मेरे 10 रुपये वापस चाहिए, तो आप कभी भी उस 10 रुपये को बेच, मतलब उस शेयर को बेचकर आपके 10 रुपये वापस ले सकते हो। मतलब उस शेयर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब देखो ऑनलाइन शेयर मार्केट चलता है ना, उसी तरह से, उसके बारे में आपको ज़रूर डिटेल में बताऊँगा। मतलब क्या, आपने एक शेयर खरीदा, आपको 10 दिनों बाद लगा कि मुझे उसको बेचना है, मुझे नहीं लगता ये कंपनी प्रॉफिट में जाएंगी, तो आप उसको बेच सेल कर सकते हो। मतलब आप उसको बेच देते हो किसी और को, आपके पैसे वापस आते हैं, वो शेयर किसी और को जाता है और वो उसको खरीद लेता है। मतलब खरीदने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं, मतलब इजीली उस शेयर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर हमने कितना कहाँ तक देखा था, सॉरी हम बहुत आगे आ चुके हैं यहाँ पर गलती से, हाँ एक सेकंड, हाँ
शेयर होल्डर ऑलवेज फ्री टू विड्रॉ, मतलब अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर। फिफ्थ देखो, अ कंपनी प्रॉफिट आर टैक्स एट अ फ्लैट रेट अगेंस्ट स्लैब रेट चार्ज फॉर नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज, मतलब जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है ना उनको जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं वो बहुत कम लगाए जाते हैं बॉर्डर कॉर्पोरेट बॉडीज के, मतलब बाकी जो भी कंपनी होती है उसके हिसाब से उनको कम फ्लैट रेट से क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़ी कंपनी होती है और उससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है, मतलब हज़ार दस हज़ार लोग करोड़ों लोग पैसे उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उनको फायदा ही मिलता है, इसलिए क्या किया जाता है उसको टैक्सेस थोड़े कम लगाए जाते हैं। कंपनी कैन ओन होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी एंड इट्स ओन नेम, इट्स शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम टू द प्राइवेट और जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो भी कंपनी एक खुद की सेपरेट एंटिटी होती है उसके वो अलग होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, रख सकती है, बेच सकती है, पर उसका उसका प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोल सकती है, मतलब शेयर होल्डर उसका ओनर है उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता, मतलब उसकी वो जमीन और वो बिल्डिंग उसकी वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, उस प्रॉपर्टी में उसका हक है ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है शेयर होल्डर से, कंपनी के नाम पर ही होगी वो प्रॉपर्टी सब कुछ। सो आगे देखो, अ कंपनी कैन नॉट, कंपनी नॉट बीइंग अ नेचुरल पर्सन कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट फॉर इटसेल्फ, मतलब देखो कंपनी को तो हमने कह दे कि एक सेपरेट एंटिटी है, वो खुद का काम खुद करेंगे, उसके नाम पर सब कुछ होगा, पर क्या होता है कि वो साइन वगैरह किस तरह से करेंगे, कंपनी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करना है तो किस तरह से करेंगी, तो देखो वो साइन नहीं कर सकती, इसलिए क्या है द कॉमन सील ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एनग्रेव्ड ऑन इट्स देयरफॉर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिग्नेचर, देखो इंसान तो साइन कर सकता है कंपनी का साइन नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर वो कॉमन सील बनाया जाता है कंपनी के नाम का, जिससे उस कंपनी का वहाँ पर कॉमन सील मारकर वो साइन का सब्स्टिट्यूट के जगह पर यूज किया जाता है, मतलब जहाँ पर साइन की जरूरत है वहाँ पर उस कंपनी का साइन कॉमन सील लगाया जाता है। कॉमन सील के मैं आपको एक इमेजेस दिखा दूँ, इस तरह की होती है कॉमन सील, इस तरह का वो मशीन होता है जिससे इस तरह का कुछ वहाँ पर कंपनी का अपने अपने कॉमन सील वहाँ पर सिग्नेचर की जगह पर लगा दिया जाता है। आपने बहुत बार देखा ही होगा प्रिंसिपल का कॉमन सील वगैरह होते हैं ऑफिस में, अगर वो नहीं होते तो वहाँ पर वो लगाया दिया जाता है कॉमन सील, मतलब कॉमन सील का यूज़ किया जाता है कंपनी, देखो कंपनी साइन नहीं कर सकती है इसलिए कॉमन सील का यूज़ किया जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय दिल, मतलब जैसे हमने देखा अगर लॉस हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और जो भी लायबिलिटीज होगी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स की शेयर होल्डर की वो लिमिटेड होती है, मतलब जितने अमाउंट में उसने शेयर खरीदना है ना उसके अमाउंट में उसको लॉस बियर करना पड़ता है, मतलब देखो अगर अगर देखो एक रुपये लगाने के बाद अगर दुगना प्रॉफिट हुआ है तो आपको और एक रुपये मिलेगा, और आपकी कंपनी लॉस में गई है 50 पैसे, मतलब अगर कुछ परसेंट में लॉस में गई है उसी परसेंट में आपके पैसे भी कट जाएंगे और आपको लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा, तो बेयर करना पड़ता है, मतलब जितने अमाउंट में आपके शेयर है उसके अमाउंट में आपको लॉस भी और लायबिलिटीज़ भी होगी आप पर। द कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, मतलब कंपनी एक सेपरेट एंटिटी एक लीगल पर्सन होता है, ओनली द लॉ कैन ब्रिंग इट एट द एंड, मतलब उस कंपनी को सिर्फ लॉ और गवर्नमेंट ही उसको ख़त्म कर सकता है, इट्स एंड कर सकता है, इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ मेंबर्स, मतलब जो भी शेयर होल्डर होंगे मेंबर होंगे उन पर उस कंपनी का लाइफ डिपेंड नहीं होता। द शेयर ऑफ द कंपनी में चेंज सेवरल हैंड्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बट द लाइफ ऑफ द कंपनी रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस, मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे लगा कि वो 10 शेयर है मेरे पास मुझे बेचना है, मैं उसको और किसी को बेचेंगा, उसको कुछ लगा तो किसी और को बेचेगा, उसको प्रॉफिट हुआ तो किसी और को बेचेगा, इस तरह से क्या होता है कि वो शेयर बेचते जाते थे, मतलब बहुत अलग अलग मेंबर्स होते जाते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ट्रांसफर होती है कंपनी एक शेयर से दूसरे शेयर के पास, शेयर होल्डर के पास, इससे कंपनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उस पर कंपनी पर उस चेंजेस का कुछ भी अफेक्ट नहीं होता, कंपनी नॉर्मली चलती रहती है। कॉमन सील का यहाँ पर आपने देख लिया, तो क्या एडवांटेजेस देखते हैं, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी इस तरह से चलती है तो उसके फायदे क्या होंगे उसके बारे में जानते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एबल टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब सिंपल है, इतने जिसके छोटे छोटे अमाउंट में शेयर हो जाते हैं तो मैं भी खरीद सकता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा भी खुद का एक शेयर मार्केट का अकाउंट है, जब मैंने सीखा था तो मैंने बना लिया था, फ्री में बनते हैं शेयर मार्केट का अकाउंट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में आपको सीखना जरूरी है, मतलब पैसे कमाने के लिए नहीं पर एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लिया करो। मतलब शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है कि 10 रुपये के 5 रुपये के 2 रुपये के भी शेयर मिलते हैं,
₹2 के भी शेयर मिलते हैं, पेनी स्टॉक बोलते हैं उनको। और जैसे बड़े बड़े कंपनीज के, रिलायंस के होते हैं, टाटा के होते हैं, टेस्ला के शेयर होते हैं ₹1,000 के, ₹2,000, ₹3,000, ₹5,000, ₹10,000 के प्राइस के भी एक एक शेयर होते हैं। मतलब इस तरह के भी शेयर होते हैं छोटे छोटे, और छोटे भी शेयर्स होते हैं इस तरह के। इससे क्या होता है कि मतलब जिसके जो जितने रुपये की चाहता है उतने रुपये के शेयर खरीद लेते हैं। मतलब इससे क्या होता है, हम हज़ारों करोड़ों लोगों से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। इससे हमें क्या होता है कि कंपनी बहुत लार्ज अमाउंट में पैसे जमा कर पाती है। इट अट्रैक्ट्स द वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर बाय द गिविंग देम ऑप्शन इन टू इन्वेस्ट स्मॉल और लार्ज सम एज दे डिजायर। जैसे मैंने बताया, ड्यू टू द लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट इट्स कमांड एंड कंपनी कैन ऑर्गेनाइज अ बिजनेस ऑन लार्ज स्केल एंड अफोर्ड एक्सपांड टू फर्दर एक्सपांड इट फर्दर। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे का कलेक्ट कर सकते हैं बहुत लोगों से, जो जितना अमाउंट में जाता है उससे। और इससे क्या होता है कि कंपनी को बहुत अमाउंट में पैसे कलेक्ट कर लेती है कंपनी, और बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लेती है लार्ज स्केल में, और इसको एक्सपांड भी कर सकती है। सिंस अ कंपनी हैज़ लार्ज रिसोर्सेज एट इट कमांड, इट कैन अफोर्ड अपॉइंट वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन टू रन इट्स बिजनेस। द इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स अस कंपनी टू अर्न इंक्रीज प्रॉफिट। मतलब क्या होता है कि लार्ज रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं कंपनी के पास, इसलिए कंपनी क्या करती है, और वो अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड लोगों को काम पर रख सकती है, जॉब पर रख सकती है, एक्सपीरियंस लोगों को जॉब पर रख सकती है, जो कि बिजनेस और रन करे और मैनेजमेंट संभाले और प्रॉफिट को बिजनेस के बढ़ाए अच्छे से, और बिजनेस को अच्छे से प्रॉफिट लोग कमा कर दे। द थर्ड पॉइंट एडवांटेजेस है उसके, द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर विदाउट एनी डिफिकल्टी। मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि शेयर जो भी होगा किसी को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब किसी भी प्रॉब्लम के सिवाय। मोर एवर द फैसिलिटी ऑफ इजी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ शेयर इनटू कैश सर्व्स एज इनिशिएटिव टू द इन्वेस्टर। मतलब क्या होता है, इजीली आपको शेयर आप बेचकर आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि इन्वेस्टर बहुत इजीली और विदाउट किसी टेंशन के और घबराहट के बिना अपने पैसे और इन्वेस्ट कर सकता है, कर लेता है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंडक्ट ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। द कंपनी इज मेजर पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर हैव ओनली वर्क विद इन द फ्रेम वर्क ऑफ दिस डिसीजन। मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट उसका डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलता है। मतलब सब लोगों का जो भी हम बोलते हैं ना मतदान, उसी तरह से होता है। मतलब डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में लोकशाही है, उस तरह से काम होता है। मतलब सब लोग वोट करेंगे कि क्या होगा, कौन कोई भी डिसीजन ले, सब लोगों के वोट से होगा, और जो भी कंपनी का वो शेयर होल्डर्स होते हैं वही डिसीजन ले लेते हैं, और वही जो भी डायरेक्टर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, और वो डायरेक्टर जिस तरह से बताया है और जिस तरह से सब कुछ फ्रेमवर्क होता है और उसी तरह से वो काम कर लेते हैं डायरेक्टर्स। मतलब क्या होता है कि सब लोग वोट करेंगे कि कौन लोग जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उस बॉडी में कौन लोग होगी, कौन लोग काम संभाले उनके लिए, उस पर वोट करेंगे कि कौन काम करेंगे, जिससे वो सिलेक्ट होगी वो लोग काम करेंगे, और जिस तरह से डिसीजन सब लोगों ने मिलकर लिया है वो उसी फ्रेमवर्क में सब काम होगा। पर एक बार बता दो, इसके अंदर आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उतना बड़ा है सब कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग भी है इसके बारे में। ये बहुत सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन है हमारे बुक में, उसके बारे में भी जान लो, क्योंकि सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भी बहुत आपको अच्छे से दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ता है। तो आगे के बारे में अगर सीखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस पर मुझे लाइव चाहिए, आप लोगों को चाहे लाइव चाहिए, और लाइव सेशन में हम डिस्कशन करेंगे इस पर। द लायबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जैसे मैंने बोला कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, लायबिलिटीज़ होगी, और लोन देने के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, कंपनी अगर लॉस में जाती है वो लॉस बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, और जो भी सभी लायबिलिटीज होगी वो लिमिटेड होगी। मतलब जितने अमाउंट में पैसे लगाए हैं उसके अमाउंट में ही होगी। मतलब ज़्यादा पैसे लगाए होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर ज़्यादा पैसे लगाए तो ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा, कम पैसे लगाए तो कम प्रॉफिट मिलेगा, कम पैसे लगाए तो कम लॉस मिलेगा, इस तरह का। मतलब लायबिलिटीज लिमिटेड होगी जितने अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए इस पर। द रिस्क ऑफ ईच मेंबर इज रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज डिफ्यूज्ड ऑन स्प्रे ओवर द सेवरल मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब देखो, रिस्क बहुत कम हो जाती है क्योंकि बहुत लोगों में सब कुछ डिवाइड हो जाता है। मतलब देखो, 10,000 करोड़ एक इंसान को कितनी बड़ी अमाउंट होगी सब कुछ उसका लॉस बेयर करने के लिए, और लायबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बहुत उसका जो भी टेंशन होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी,
और उसका जो भी नुकसान होगा और उस पर जो भी प्रेशर होगा बहुत बड़ा होगा। मतलब 10,000 करोड़ एक आदमी को इन्वेस्ट करना और चलाना बहुत मुश्किल है, या 10-20 आदमी को, 100 आदमी को। पर वही 10,000 करोड़ अगर 20,000 लोग मिलकर या 1 करोड़ लोग मिलकर, 10 करोड़ लोग मिलकर कलेक्ट कर रहे हैं तो जो भी रिस्क होगी बहुत कम हो जाती है और सब लोगों में रिड्यूस हो जाती है और सब लोगों में डिवाइड होती है, जिससे कि एक आदमी या 100 लोग, 200 लोग, 1,000 लोगों पर नहीं आ जाता। कंपनी पेज इनकम टैक्स एट फ्लैट रेट, मतलब जैसे पहले एक बार बताया कि कंपनी को बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, दिस मीन्स ऑन हायर प्रॉफिट, और जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इट विल हैव बियर लोअर टैक्स लाइबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर, मतलब अदर कंपनीज के कंपेयर टू इसको बहुत कम टैक्सेस देने पड़ते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इन्जॉय परपेचुएटर सक्सेशन, द इंसॉल्वेंसी इंसेनिटी और डेट ऑफ इट्स मेंबर नो हैज़ नो अफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कंटिन्यूसली अच्छे से सक्सेसफुल बिजनेस करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी जैसे प्रॉब्लम नहीं होती। इंसेनिटी मतलब कोई गलत काम करने वाले लोग नहीं होते, मतलब कोई गलत काम करने का और जो भी डेट होना लेके बस जैसे लोगों से, मेंबर से, इससे कोई भी अफेक्ट नहीं होता बिजनेस कंपनी के एग्जिस्टेंस पर। मतलब इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी, डेट, इस तरह के कोई भी वहाँ पर इफेक्ट नहीं होता कंपनी के कामकाज पर और कंपनी पर और कंपनी के एग्जिस्टेंस पर, इसलिए कंपनी बहुत अच्छी तरह से काम करती रहती है, इसलिए कंपनी इंजॉय करती है परपेचुअल सक्सेस। सो आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब एडवांटेज देखो पर नुकसान क्या हो सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, देर आर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ। मतलब क्या है कि जो भी कंपनी को जब स्टार्ट करना होता है तो बहुत बड़ी कॉस्टली प्रोसेस होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है उसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेलिटीज वहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ती है। So the company cannot take prompt decision because the time lag between the board meeting and the difficulties of getting the request quorum. मतलब क्या है कि जो भी कोई भी बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम लैग, मतलब बहुत टाइम वहाँ पर जाता है कि बोर्ड की मीटिंग, मतलब अगर बोर्ड को सबको मीटिंग पर बुलाना, फिर डिस्कशन करना और फिर जाकर जो डिसीजन लेना, इससे बहुत टाइम जाता है, इसलिए जल्दी से कोई डिसीजन नहीं हो पाता। इससे ये एक डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट फॉर अनस्क्रुपुलस मैनेजमेंट टू द इंडूलिंग द माल प्रैक्टिस। मतलब क्या है कि जो गलत काम करते हैं, गैरकानूनी काम करते हैं, इस तरह के काम बहुत ईजिली हो जाते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर कोई ईजिली हो सकते हैं इस तरह के बिजनेस में जॉइंट स्टॉक कंपनी। समटाइम बोगस कंपनीज आर फ्लोटेड अ चीट टू द इन्वेस्टर ऑफ देयर हार्ड अर्न मनी। मतलब क्या होता है कि गलत काम हो सकते हैं इसमें, और क्या होता है कि कुछ गलत कंपनियां भी आती है जिससे वो लोगों को फंसाती है, पैसे कलेक्ट कर लेती है और भाग जाती है, जो लोगों ने बहुत मेहनत से पैसे कमाने वो खा जाती है। इस तरह के स्कैम्स कुछ दिनों पहले हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे उसके पुराने, अगर आप देखते होंगे और किसी भी स्कैम के बारे में अगर आपको पता है उसके बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मतलब जो भी इस तरह की जॉइंट स्टॉक कंपनी की, गलत कंपनी के, मतलब कोई बोगस नाम की कंपनी खड़ी कर लेते हैं, एक्चुअली वो कंपनी होती ही नहीं पर उसके नाम पर पैसे कलेक्ट कर लेते हैं सभी लोगों से, इन्वेस्टर से, सेल होल्डर से, और भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इस तरह के लोग हो सकते हैं। तो ये बहुत हार्डली कुछ एग्जाम्पल होगी, एक दो, और जो बहुत ज़्यादा नहीं होता पर होता है कि उसका एक डिसएडवांटेज जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो नेक्स्ट जो भी डिसएडवांटेज है वो है द कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय द प्रोप्राइटर शेयर होल्डर, इन फैक्ट द मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर एंड पेड ऑफिशियल हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट एंड देयर फॉर देर इज नो इनिशिएटिव फॉर देम टू मैनेज इट फॉर मोर एफिशिएंटली। डायरेक्टर समटाइम मिस यूज देयर पोजिशन एंड सर्व देयर पर्सनल एंड इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब क्या है कि कंपनी जो भी ओनर से शेयर होल्डर है, प्रोप्राइटर है, वो उसको मैनेज नहीं करते, हैंडल नहीं करते। कंपनी कौन मैनेज करता है, कोई डायरेक्टर होता है या जो भी पैसे देकर लोग वहाँ पर रखे होते हैं काम करने के लिए, वो करते हैं। पर वो लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता पर्सनल कि वहाँ पर काम करे, बहुत हार्डली इस कंपनी को बहुत बड़ा करे, क्योंकि उनको पेमेंट तो मिलने वाला है कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, इसलिए उनका पर्सनल वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और डायरेक्टर क्या
कर सकते हैं, कुछ अपने पोजीशन का मिस यूज कर सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर जो चाहते हैं उसको इग्नोर कर कर उनके फायदे का कोई डिसीजन ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, इसका डिसएडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। द सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस अफेयर्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड बिकॉज एवरी इशू इज डिस्कस इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, द माइन्यूट ऑफ द मीटिंग ऑफ एंड अकाउंट ऑफ द फर्म हैज बी नोटिफाइड। मतलब सीक्रेसी वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी जो भी अब बोर्ड की मीटिंग होती है वहाँ पर सब कुछ डिस्कस हो जाता है, सभी इशू डिस्कस होते हैं, अकाउंट के बारे में जो भी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर नोटिफाई हो जाती है, लोगों को पता चल जाती है। मतलब कोई अगर ऐसा आदमी वहाँ पर होगा कि जो कि बिजनेस के लिए हार्मफुल होगा और किसी जो भी कॉम्पिटिटर पार्टी का होगा तो यह कैसे इससे क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती, सीक्रेट्स बाहर चले जा सकती, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो आगे उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि लास्ट दो डिसएडवांटेजेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी व्हेन रन ऑन लार्ज स्केल may gain exclusive control over the production and distribution of commodity. This may lead to the exploitation of consumer by wage, excess of pricing and poor quality of goods. मतलब क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ी होती है, इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी तरह से वो सब कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर लेते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत कम होती है वैसे तो। मतलब वो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी एक है उसने बहुत बड़े अमाउंट में क्या कर लेता है कि वो प्रोडक्शन कर सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, पर क्या हो सकता है इससे क्या होता है कि कंज्यूमर का वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया जा सकता है। मतलब किस तरह से होते हैं, देखो शोषण बोल सकते हैं ना, देखो कंज्यूमर शोषण भी बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर एक ही कंपनी वही प्रोडक्ट बनाती है, उसका ही माल सभी डिस्ट्रीब्यूट में और आपके दुकान में मिलता है आपकी जगह पर, क्योंकि वही कंपनी सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्शन बना लेती है, बाकी कंपनी कर नहीं पाती। इसलिए इससे क्या होता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले कि पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट देखकर ज़्यादा प्राइस लगाकर बेच सकते हैं, इसलिए इससे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। एक डिसएडवांटेज से मतलब क्या है कि लोगों से ज़्यादा प्राइस में लो क्वालिटी के प्रोडक्ट देना, पर क्या है लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वही कंपनी बना सकती है, क्योंकि वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन भी कर लेती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकती है, जो भी अच्छी कंपनी छोटी है पर वो कर नहीं पाती। इसलिए क्या करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर को इस तरह की कंपनी का क्या हो सकता है कि लो क्वालिटी का मटेरियल ज़्यादा प्राइस में लेना पड़ता है, तब एक डिसएडवांटेज है। The person controlling a company have large financial resources at their disposal. They may attempt to influence the economic and political decision made by the government. मतलब जो भी कंपनी का कंट्रोलिंग जो भी लार्ज फाइनेंस होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, पर और एक क्या प्रॉब्लम होता है कि कंपनी को जो भी पॉलिटिकल और जो भी क्या करना पड़ता है कि जो भी पॉलिटिकल डिसीजन के गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट का वहाँ पर अच्छी तरह से कंट्रोल होता है। ये पूरे यहाँ पर हमने बात की यहाँ पर कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर देखा है तो ज़रूर कमेंट कर मुझे बताना है कि आपने पूरा वीडियो देखा है, हमने एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वहाँ पर हमने उसके साथ साथ उसके साइलेंट फीचर देखे, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या इसके बारे में हम सुपरफिशियली जान लिया कि किस तरह की होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके बारे में डिटेल में जाने का इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इसके बारे में और जानना है, और आई होप अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी।